हेलो नमस्कार। देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स, गांजा और शराब और न जाने कौन कौन से नशे के लत से चूर हैं, जिसमें से कि हम आपको बता दें या आप सब भी इस बात से वाकिफ होंगे कि आधे से अधिक इसमें कम उम्र के नौजवान युवा शामिल हैं, जहां ड्रग्स, गांजा और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का तस्करी आम होती जा रही है। वहीं ये जो तस्कर है मालामाल होते जा रहे हैं और मालामाल होने के लिए या कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपनी जान को भी बाजी लगाने को भी तैयार है। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स के तस्करी से जुड़े एक और बहुत बड़ा चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यह मामला राजस्थान के जयपुर का है। यहाँ एक विदेशी महिला तस्कर के शरीर से 6 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है और यह ड्रग्स वह यहाँ तक कैसे लेकर आ गई, यह बात आप सभी सोच रहे होंगे और सोचने वाली बात है भी, क्यों ना सोचा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि यह ड्रग्स 88 कैप्सूल के अंदर थे और इन कैप्सूल को उस विदेशी महिला के शरीर में ऑपरेशन के जरिए फिट किया गया था। है ना काफी चौंका देने वाली बात। चलिए इस मामले को थोड़ा और डिटेल में बताते हैं आप सबको। दरअसल 19 फरवरी को जयपुर एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला को पकड़ा गया, जिसके बाद उसके शरीर से TRI के विशेष ऑपरेशन के जरिए 88 ड्रग्स से भरे कैप्सूल निकाली गई। यहां तक कि ये कैप्सूल महिला के आंतरिक अंगों के साथ साथ शारीरिक अंदर ऑपरेशन कर छुपा गई रखी थी। सात शरीर के अंदर ऑपरेशन था। यह काफी मेहनत के बाद 60 कैप्सूल हाथ लगे और उनको शक हुआ डॉक्टरों को कि क्यों न इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए। तो टोटल 88 यानी कि 88 कैप्सूल उनके हाथ लगे। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इन ऑपरेशन को करने में हमें 7 दिन लग गए और उन 88 कैप्सूल की कीमत बाजार में 6 करोड़ रुपए है। जरा सोचिए कि आज के दिन ड्रग्स और जितने भी नशीले पदार्थ हैं इनकी कितनी अहमियत बढ़ गई है और लोग अपना जान भी देने को तैयार हैं। और आज छोटे छोटे बच्चे गांजा, अफीम, ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट जैसे न जाने कितने नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जो तंबाकू के साथ साथ सनफिक्स, पॉलीथीन का भी इस्तेमाल और सेवन कर रहे हैं। ये भी नहीं जानते कि ये नशीले पदार्थ उनके शरीर के साथ क्या हाल करेंगी और उनका कितना हानिकारक ये नशीले पदार्थ है उनके शरीर के लिए, उनको जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं है। तो हमारा ये न्यूज आप सबको कैसा लगा आप सब जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।